हेलो लेजेंड आर्मी, तो कैसे आप लोग। तो आपका स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। तो न्यू वीडियो होने वाली एकदम अलग से, मतलब अलग ही बनाएंगे, ना टाइमिंग है ना कुछ अलग है, मतलब आर्का ही है, बट एकदम अलग से बनाएंगे। हमने मतलब मैं 2-3 दिन से बहुत मतलब एग हैच कर रहा था, मतलब एग निकाल रहा था आरजी के, तो बहुत सारे मैंने आरजी के एग निकाल के रखे और उसको एक साथ हम हैच करने वाले, मतलब सारे एग एक साथ हैच कर रहे। टोटल 40 एग है, ठीक है, 40 मतलब 40 40 एग है, तो टोटल 40 एग का हम मतलब इसे एक साथ में हैच करेंगे। मतलब एक एक करके भी कर सकते थे, पर सोचा दोस्तों को बोला चलो कुछ अलग करते, डिफरेंट सा। तो डिफरेंट करने के लिए हमने क्या किया कि एक हैच फ्रेम सामने बना दिया हमने अलग से। उस हैच फ्रेम में नीचे सब मतलब सब कोने पे एसी है, तो हम बीच में एक मस्त एग डालेंगे अनलिमिटेड, सारे 40 के 40, और सारे एग एक साथ में मतलब हैच हो गए या थोड़े आगे पीछे हैच हो गए पता नहीं, बट सारे एग हैच हो करेंगे। और सबका टाइम मतलब 35 है, तो 35 मिनट्स होगा, तो वो निकाल देंगे हम और सीधा वहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे डायनो है सारे, और ये हमारा गीगा जो म्यूटेशन वाला है, शायद उसका म्यूटेशन कलर म्यूटेशन निकला है, ग्रीन ब्लैक एंड वाइट तीनों कलर है इसमें। तो छोड़ो, पहले हम अपना देखते हैं। ये है हमारा हैच फार्म, देखो भाई हमारे राजवीर भाई ने बनाया है पूरा हैच फार्म। हाँ, हमारा डेकोरेशन सब वही करते, तो उन्होंने पूरा हैच फार्म बना के रख दिया मस्त डिज़ाइन वाला, ऊपर मेगा थीरियम भी बिठाए। और देखो हमने यहाँ पे रख दिए सारे एग, 40 के 40 एग हमने यहीं पे रख दिए, देख रहे हो एक के ऊपर एक सूखे। और देखो भाई लाल लाल धुआ ही धुआ, और यहाँ पे 14 एग रख चुके, और इसमें सभी बच्चे निकल में बहुत देर है, शायद ज़्यादा देर नहीं, 2-2 मिनट ही बाकी है, तो ज़्यादा देर ही नहीं है। और हमारे साथ में थोड़े दोस्त भी है मेरे 2-3 लोग, तो हमारे साथ में कौन कौन है मैं आपको उनसे भी मिलवा दूँगा। और पहले देख सकते हैं आप बहुत सारे फर्टिलाइजर एग भाई, सबका टाइम देखो यहाँ पे देखने पे एक बार भी टाइम अच्छे से दिख नहीं रहा है, मतलब सब आगे पीछे हो रहे हैं। और ये सारी वैसी लगाई, ये हमारे राजवीर भाई जो बाहर खड़े पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट छोड़ो अब टाइम होने वाला है, हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। तो देख लो ये DMC आ गया हमारा दोस्त, वो भी इसमें मतलब थोड़ी मदद करेगा मेरी। देखो अंडे निकलने लगे, एग निकलने लगे, मैंने बोला सबको, हमारे साथ है DMC राजवीर एंड कौन है एंड हमारे मतलब एली में ही है, बट अभी मेरी ट्राइब में आ गया, उनका नाम है क्रिस, तो भी हमारे साथ ही है। तो सब लोग मिलके हम फटाफट से सारे मतलब कलेक्ट कर रहे थे, ऐसे एक एक एग निकलने लगे थे अंदर से बच्चे, थोड़े तो कलेक्ट कर दिए हमने, और साले एक एक को कलेक्ट करके हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, मतलब सबको क्लाइम करना पड़ेगा ना, वरना एक साथ में अब तो धीरे धीरे धनाधन धनाधन निकल रहे गए। देख लो अब मचने वाली है भसड़, मतलब कि एक साथ में इतने सारे बच्चे निकलेंगे कि भाई किसको क्लाइम किया किसको नहीं पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ ऊपर नाम शो कर रहा है तो पता चलेगा, बट जिसके ऊपर नाम शो नहीं कर रहा है मतलब वो हमने क्लाइम नहीं किया। तो धीरे धीरे सब कर रहे हैं और मैं भी करने में पड़ा हूँ, बट जिसको मैं टच कर रहा हूँ वो ऑलरेडी क्लाइमेड ही आ रहा है, क्या कर सकता हूँ। देखो इसको देख रहा हूँ, मैंने शायद 1-2 ही क्लाइम कर पाया हूँ, मैंने उनको बोला था जो ज़्यादा क्लाइम करेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा, तो ऐसे बोला था, तो सब लोग भाई टूट पड़े मतलब क्लाइम करने, मेरे को भाई 2 ही मिले भाई, सब मेरे अनक्लाइम करके भी क्लाइम कर रहे हैं बंदे, आराम ही है भाई हमारे, मतलब मैंने जो क्लाइम किए उनमें से वो लोग अनक्लाइम करके वापस किसी के ले रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं मेरे अनक्लाइम करके कोई ले रहा है मतलब क्या भाई, सबको मीट भी दो भाई, मतलब मर जाएगा वरना है। तो सब में थोड़ा थोड़ा मीट डाल रहा हूँ, एक एक को थोड़े कोने कोने में ले जाके, अभी भी थोड़े बच्चे निकल रहे हैं, मतलब एकदम डिफरेंट था ये, बहुत मज़ा आ रहा है भाई एक साथ में ऐसे हैच करने में। और बहुत सारे भाई ऐसे टपाटप निकल रहे हैं, आप देखते रहो और मज़े उठाओ, सारे इधर से उधर भाग रहे हैं। ये राजवीर भाई तो देखो भाई, राजवीर भाई तो बीच में घुस गए, बोले कि सारा मैं करूँगा राजवीर भाई तो भाई कूद पड़े। और एक क्रिस भाई क्या कर रहे हैं, चलो और एक मिला मुझे, इसको लोवेस्ट ही कर देता हूँ और वो बंद कर देता हूँ इनेबल ऑन ट्री,
मतलब अभी जब सारे निकलेंगे ना तब, क्योंकि हमने जो क्लाइम किए वो और सारे देखो मिक्स हो रहे। अब देखो सारे निकल गए, ओनली एक दो अंडे बचे। और देखो सारे क्लाइम करो, एन क्लाइंबिंग है सारे। राजवीर भाई बीच में बैठ के मतलब सब कपा टप टपा टप कर रहे। तो चलो मैं जितने भी मेरे साथ हैं मैं उन सबको ले जाता हूँ, मतलब बाहर ले जाता हूँ। और सारे भाई एन क्लाइंबिंग है, अब थोड़े क्लाइम दिख रहे हैं, मतलब सारे डीएमसी वो सब कर रहे हैं। देखो खड़े खड़े डीएमसी कर रहा है सबका अनक्लाइम, मतलब क्लाइम वाला अनक्लाइम करके खुद क्लाइम कर रहा है। नाइस ब्रो, बट एक बार नाम छप जाएगा ना तो टेंशन नहीं पता चल जाएगा किस किस के ज़्यादा हैं, वो तो हम देख लेंगे, वो छोड़ो आप खाली मजे लो। तो भाई देखो ऐसे भी सारे हो चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, बट देखो एक दो जो नए भी हुए तो मैं सबको बोला सब एक एक लोग जितने हैं उन उनके मतलब फॉलो हो रहे हो जितने, तो एक एक बार ले जाओ। जैसे मैं अपने ला रहा हूँ बाहर, जो मेरे को फॉलो सारे मैं बाहर ला रहा हूँ बच्चे को, और यहाँ पे कोने में हम रखते हैं। तो सबका तो मैं नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लेंदी और लंबी भी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अरे पन क्यों कर यार, बाई ओपन करो यार डोर। अरे वो बच्चा फंस गया मर जाएगा ओ भाई वो ऊपर नीचे हो रहा था शायद मर जाता। तो चलो छोड़ो, अब मैं इतने को तो बाहर लेके आ गया हूँ, थोड़े कोने में रख देता हूँ। भाई इनको फूड खिलाना भी, भाई ये कौन किसका पीछे पड़ रहा है जो अंदर जा रहा है बाहर से लगता है डीएमसी के पीछे पड़ा है। हाँ डीएमसी के पीछे ही पड़ा है। तो थोड़े हम लोग यहाँ पे देखो बाहर ला के रखे, और ऑलरेडी मैं थोड़े और ला रहा हूँ, और वापस हम अंदर आए तो अब एक दो बच्चे पड़े और एक एग पड़ा है। इसको शायद क्रिस ने अपनी गोदी में ले लिया था, मैं आपको वो भी मतलब थंबनेल पे जो फोटो है ना उसमें देख लेना, गोदी में एक अंडा पड़ा है और क्रिस ने अपनी जेब में रख दिया था तो भूल गया था, फिर उसके पास ही पड़ा इन्होंने। फिर उसने लास्ट में जब से स्टार्टिंग से रखा तब से लास्ट में उसने एक बार रखा भाई, 35 मिनट बाकी उसने। तो छोड़ो उसको हैच होने देते अंदर ही, वो लास्ट में ला देंगे। अब इनमें से मैं क्या करूँगा, अच्छे अच्छे बच्चे रखूँगा दूसरे, मतलब सरों में गिफ्ट कर दूँगा या फिर देखते मार देंगे, क्योंकि एक साथ में सबको नहीं पाल सकते भाई, इतने को मीट डाल डाल के सबका इम्प्रिंटिंग करके। उससे अच्छा मैं अच्छे अच्छे जो है वो रखूँगा और उनकी ब्रीडिंग करवाता रहूँगा। तो दोस्तों और देखो सारे भाई बच्चे बच्चे दिख रहे हैं आसपास में, मतलब उनके लिए मुझे अच्छा हुआ ये मेरे दोस्त थे चार लोग, हम लोग चार पांच तीन चार लोग हैं तो मदद मिल गई मुझे, वरना मैं अकेला तो भाई ये 40 एग हैच करना मतलब क्या भाई, क्लाइम करते करते ही मर जाता मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मतलब उसमें डालने के लिए मैं अपने दोस्तों को डालने वाला हूँ, मतलब डीएम करने वाला हूँ डिस्कॉर्ड में कि भाई आ जाओ बच्चे खरीदने। तो मतलब ये सब म्यूटेशन वाले थे एग्स, ठीक है, किसी का म्यूटेशन हेल्थ में होगा, किसी का फूड में होगा, किसी का होगा वेट में, किसी का होगा मिली डैमेज में, तो ये सारे मतलब अच्छे थे। तो 3 दिन बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सब बड़े हो गए, मतलब जो अच्छे अच्छे थे उनको ही रखा है। तो सारे ईरी आरजी आगे दो रो में और पीछे नॉर्मल आरजी देख सकते हो आप, और ये हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं एकदम फाइटर की तरह। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहो, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, और जो जो भी वीडियो देख रहे हो थैंक यू ब्रो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो सब्सक्राइब करो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।